हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलम क्रिप्टो। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कॉइन के बारे में बातें करने वाला हूं जो कॉइन काफ़ी डीप के अंदर है, काफ़ी अंडरवैल्यूड है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, इसकी यूटिलिटी और इसका यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा है, और डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट है ये आपको बुल मार्केट के अंदर बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट देने वाला है। और कम से कम देखेंगे, मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम इसके अंदर जो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 100x का, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको 500x यहाँ तक के 1000x तक का रिटर्न देने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो इस कॉइन के बारे में हम डिटेल से बातें करने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि सारी बातें, सारा प्रोसेस और सारा मेथड समझ में आ सके और इस वीडियो का कोई भी एंगल और पार्ट आपसे मिस न होने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस कॉइन के बारे में बातें करने वाला हूँ उसका नाम है वेरासिटी कॉइन, यानी VRA कॉइन, ठीक है। इसकी प्राइस अभी एक हफ्ता पहले 0.003738 इसके आसपास चल रही थी, ठीक है, लेकिन एक न्यूज़ आती है और उस न्यूज़ के बाद इसकी प्राइस के अंदर तकरीबन 80% एक हफ्ते के अंदर इसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर से उसकी प्राइस एक जोन के अंदर फंसी हुई है, उस जोन के अंदर है, और अब लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं प्राइस गिर करके नीचे ना आ जाए या फिर एक बैग ऊपर ना आ जाए। तो मैं इसके बारे में आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि इसका सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस जो इसका है, रेजिस्टेंस जो इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, मैं इसके चार्ट में भी आपको बताऊंगा वो कहां पर है, ताकि आप वहां पर अपनी एंट्री कर सकें और चाहें तो आप DCA वगैरह भी कर सकें, मैं करने वाला हूं, ठीक है। तो अगर इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखेंगे तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसका है 0.0055 के आसपास है, ठीक है, और ये इसका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है ये। और अगर रेजिडेंस देखेंगे इसकी तो 0.007 पर इसकी ज़बरदस्त रेजिडेंस है, वहाँ तक इसकी प्राइस गई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और फिर से नीचे आ गई, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर इसके प्राइस के अंदर बहुत अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसकी प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। मैं इसके चार्ट पर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ पर देखें आप, ये इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसकी प्राइस चल रही होती है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और इसकी प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ती हुई, इसकी जो सपोर्ट है मैंने आपको बता रहा 0.005 के आसपास जो इसको ब्रेक करती है, इसको भी ब्रेक करती है यानी, और ये अपने यहाँ तक इसकी प्राइस पहुँचती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक, यहाँ पर जाती तो इसकी प्राइस है लेकिन यहाँ पर ठहर नहीं पाती है और फिर से जब नीचे गिरती है तो यहाँ पर इसकी प्राइस इसके आसपास इसकी प्राइस रुकी हुई है। तो अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, अगर सेलिंग बढ़ेगा तो इसकी प्राइस नीचे आ सकती है और अगर बाइंग यहाँ पर होती है तो इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। आपको क्या लगता है, इसकी प्राइस नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? हमें अगर एंट्री बनानी है तो कहाँ पर बनानी है? हम इस सपोर्ट और रेजिडेंस के अंदर अपना हम गेम खेलेंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और यहाँ पर हम उस प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर देखेंगे फिर क्या होता है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक चैनल पर सब्सक्राइब करके बस, ताकि वीडियो आपको इस तरीके की यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहे। अपना राय सब कमेंट्स अपने ख्याल से जरूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।